नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। सीबीएसई के द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2020 को एक पब्लिक नोटिस जारी की गई है सीटेट दिसंबर 2019 के रिजल्ट के संदर्भ में। इसी के बीच एक मुद्दा ये भी चल रहा है कि क्या सीटेट दिसंबर 2019 के लिए फिर से रिजल्ट जारी किया जाएगा। इन दोनों मुद्दों पर इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ, तो यदि आप भी इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, पहले बात करेंगे कि रिजल्ट फिर से जारी होगा या नहीं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि भले ही जो रिवाइज्ड आंसर की है वह 30 दिसंबर 2019 को वेबसाइट पर सीबीएसई के द्वारा डाली गई हो, लेकिन उस पर आप डेट देखेंगे तो डेट उस पर 27 दिसंबर 2019 का है, जिस दिन सीटेट दिसंबर 2019 के रिजल्ट की घोषणा हुई थी। तो दोस्तों, जो रिजल्ट जारी किया गया है वह सीटेट दिसंबर 2019 के रिवाइज्ड आंसर की के अनुसार ही किया गया है, लेकिन कन्फ्यूजन इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये रिवाइज्ड आंसर की 30 दिसंबर 2019 को वेबसाइट पर डाली गई, जबकि सीबीएसई को इसे रिजल्ट से पहले वेबसाइट पर डाल देना चाहिए था। दोस्तों, अब रिजल्ट की दोबारा घोषणा नहीं होगी। और अब बात करते हैं कि 1 जनवरी 2020 को जो पब्लिक नोटिस जारी की गई है उसमें क्या है। दोस्तों, स्क्रीन पर आप वो पब्लिक नोटिस देख पा रहे होंगे। आरटीआई के थ्रू बहुत से अभ्यर्थियों ने अपने कैलकुलेशन सीट को और साथ ही साथ उनका जो ओएमआर सीट था उनकी डिमांड की थी, और इन्हीं सब को देखते हुए सीबीएसई ने एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए यह सूचना दी है कि दिनांक 1 जनवरी 2020 से लेकर के 31 जनवरी 2020 के बीच में ₹500 फी पे करते हुए कैलकुलेशन सीट अभ्यर्थी अपना प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको ₹500 का एक डीडी बनवाना होगा, और सीबीएसई के फेवर में ये न्यू दिल्ली में पेबल होगा, और साथ ही साथ आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से यह भेजना होगा। और उसके बाद से सीबीएसई आपका जो कैलकुलेशन सीट होगा और आपकी ओएमआर सीट होगी वह स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेज देगी। दोस्तों, ये पूरा पब्लिक नोटिस है, जो भी मैंने बातें बताई हैं इसमें डिटेल में लिखी गई हैं। तो यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बहुत लोग के मन में ये कन्फ्यूजन बना हुआ था और बहुत लोग रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि रिवाइज्ड आंसर की के अनुसार उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो अपना कैलकुलेशन शीट सीबीएसई के द्वारा मंगा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।